जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम। आज हम हिमालय से संबंधित बहुत सारी चीजों को जानेंगे, जिनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चोटियां। कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन लगते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, वो क्या है कि निम्नलिखित चोटियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें, व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसे आपको कुछ चोटी दे देगा। और ये एक दे देगा धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदर पूंछ। ये चार चोटियां हैं। आपको नीचे विकल्प मिलेंगे, एक, तीन, दो, चार। इस प्रकार तीन, एक, दो, चार दे देगा, चार, तीन, दो, एक डाल देगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। हो सकता है इनमें आंसर हो सकता है ना हो, तो कोई और कूट होगा। इस आधार पर ऐसे क्वेश्चन को जब तक आप चोटियों का क्रम ना देखो, तब तक ऐसे क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। अब ये जानेंगे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी और बंदर पूंछ, इनको पूरब से पश्चिम में जब हम लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे। हाल तो मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बता देता हूं, लेकिन हम इसी टॉपिक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चोटियों का क्रम, उनकी ऊंचाई से संबंधित तथ्य और ग्लेशियर, हिमालय की श्रेणियों में बसे हुए शहर, घास के मैदान, पूर्वोत्तर हिमालय, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकोई बूम, नागा, बरेल, चंपई तियांग, सफई तियांग, सिंगालीला रेंज, चुरिया मुरिया रेंज नेपाल में स्थित है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब जब से मैं पूरब से पश्चिम की ओर लगवा रहा है, तो पूर्व से पश्चिम की अगर बात करूं मैं, तो हमारा सबसे पूर्व में स्थित आएगा आपका अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा ये पूर्व में है आपका, और फिर आपका अन्नपूर्णा के बाद में मिलेगा धौलागिरी, ये धौलागिरी चोटी मिलेगी। उसके बाद है नंदा देवी और फिर मिलेगी बंदर पूंछ। अब ये पूर्व से पश्चिम ये चोटी बैठी है। अब पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है इनका, तो सबसे पहले कौन सी आनी चाहिए आपकी, अन्नपूर्णा यानी दो, फिर आपकी एक, फिर तीन और फिर चार। दो, एक, तीन, चार, ये इनका आंसर है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब ये किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, अब आगे देखो। और बहुत सारे क्वेश्चन हम हाथों हाथ आपको बताते भी चलेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उनको किस प्रकार से आपको हल करना है। शुरुआत करते हैं।
पहले आप ये जाने कि हम जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है उसे देखिए, कश्मीर का एरिया, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र, ये बांग्लादेश। अब यहां पर हम आपके कुछ रेंज बैठाएंगे, जैसे क्या देखेंगे ध्यान से, ये आपका ग्रेटर हिमालय है इस सीधाई में, इस बॉर्डर से लेकर और ये उत्तराखंड तक। देखिए ध्यान से, ये उत्तराखंड का ये बॉर्डर पे है, ये ग्रेटर हिमालय बना रहे हैं हम। ये नेपाल में यहां से निकलेगा और नेपाल के उत्तर से होता हुआ सिक्किम के उत्तर में प्रवेश करता है और फिर भूटान के उत्तर से और अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर होते हुए इस प्रकार ये आगे की ओर चलकर नीचे की ओर विस्तृत है, जो आगे अराकान योमा, पटकुई बूम, नागा इनके नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारा ग्रेटर हिमालय है, महान हिमालय। महान हिमालय, हिमालय। अब महान हिमालय की चोटियों को देखते हैं। जैसे यहां पर लास्ट में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये पीओके वाला क्षेत्र है। यहां पर इसके लास्ट में ग्रेटर हिमालय के बिल्कुल शीर्ष पर आपको यह एक चोटी मिलेगी। इस चोटी का नाम मैं यहां एक नंबर डाल दे रहा हूं, जिससे आप सहूलियत रहे आपको। इसे कहते हैं नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत चोटी जो है वो आपकी किस पर हो गई, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय पर। और महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय पर है तो ये पीओके वाले क्षेत्र में है, ये इसकी खास बात है। और अगर हाइट की बात करें तो 8126, 8126 मीटर में है हाइट हमारे पास। अब आगे देखते हैं, जब आगे की ओर चलोगे यहां पर आप, तो यहां पर इस जगह एक चोटी यहां मिलेगी बॉर्डर पर, एक एक इससे आगे और एक ये। इस सतत तो तीन चोटियां आपको पढ़नी है, इसे मैं क्रम भी डाल दे रहा हूं, 1, 2, 3 और 4। कैसे? सबसे इधर ये बंदर पूंछ है, बंदर पूंछ। अब बंदर पूंछ चोटी की डिटेल कैसे लिखेंगे आप कॉपी में अपनी, कि ये उत्तराखंड है। देखो इतना आपको पहचान आना चाहिए कि यहां पे क्या है, उत्तराखंड है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है राज्य को किस तरह से पहचानते हैं। बंदर पूंछ चोटी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में, कौन से हिमालय पर, ग्रेटर हिमालय पर। अब बंदर पूंछ चोटी उत्तराखंड का क्षेत्र आपका, यूके। अब इसकी खास बात है बंदर पूंछ की, सभी चोटियों की आप हाइट अगर याद करोगे तो लगभग 90 से भी ज्यादा चोटियां हैं हिमालय पे।
लेकिन जो खास चोटियां हैं उनकी आपको हाइट जरूर जाननी है। 6,320 मीटर इसकी हाइट है। बंदरपुन चोटी की खास बात यह कि यहां से एक नदी निकली है, उसका नाम है यमुना। जब हम यमुना नदी पढ़ेंगे तो इसका जिक्र फिर एक बार आएगा, बंदरपुन चोटी, यमुना नदी, और यहीं पे तीर्थ मिलेगा आपको, यमुनोत्री। अब ये जो तीसरी चोटी है इसका नाम है केदार, केदार चोटी या केदारनाथ चोटी। मंदिर भी है वहां शिव का। अब केदार चोटी जो है हमारी, वो भी उत्तराखंड में है और हाइट 6,945 मीटर है। किस तरह से लिखना है? केदार चोटी ग्रेटर हिमालय पर है उत्तराखंड में, तथा इसके पश्चिम में बंदरपुच, और ये जो आप देख रहे हो पूर्व में ये जो चोटी है यहां, इसी का नाम है नंदा देवी, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान, और नंदा देवी नाम से चोटी का नाम भी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियों में नंदा देवी आती है। अब सबसे ऊंची जब है उत्तराखंड की, तो ये भी आपको याद रखना है हाइट कितनी है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम उत्तराखंड से निकलकर नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं। नेपाल में आपको यहां पर एक चोटी मिलेगी, इस जगह, इसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है? धौलागिरी, धौलागिरी। अब है कहां पर? तो नेपाल, ये याद रखें। अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसमें धौलागिरी एक चोटी थी, और एक चीज और याद रखें कि धौलागिरी एक चोटी है जो नेपाल में ग्रेटर हिमालय पर है, और धौलाधर शब्द है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से जानते हैं। धौलाधर, जैसे लघु हिमालय का नाम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, ऐसी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में उसे मसूरी श्रेणी, और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो धौलागिरी एक चोटी है और धौलाधर हिमालय की, लघु हिमालय की एक श्रेणी है। तो ये दोनों नाम आप क्लियर करेंगे, धौलाधर, धौलागिरी। हाइट की बात करूं, 8,172 मीटर की हाइट है धौलागिरी चोटी की। आगे चलते हैं। अब जैसे ही इसके आगे बढ़ेंगे आप, तो यहां पर आपको एक चोटी मिलेगी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अब आप अगर ध्यान दो तो हमारे जो मैंने आपको लिखा था तो उसमें चोटी थी आपकी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसी आधार पर ये क्रम लगा पूछे जाते हैं, और एक था आपका बंदरपुच, एक है नंदा देवी। तो ये क्रम आपसे पूछ लेता है, कई बार ऊंचाई के आधार पर भी क्रम पूछ लिया जाता है। छठी चोटी है आपकी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हाइट है 8,078 मीटर। अब अगली चोटी पर आते हैं। यहां पर आपको फिर एक चोटी मिलेगी, नाम है मनसालू, मनसालू, ये 8,156 मीटर। अन्नपूर्णा से बड़ी है, अन्नपूर्णा से ज्यादा हाइट है, धौलागिरी से कम है, क्योंकि धौलागिरी की हाइट है
8172 और मनसालू की हाइट है 8156 मीटर। इससे अगली छोटी है और ये मोस्ट डाल के आप लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी बना देता हूं इसे, ये है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट रहता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, कहीं 2 मीटर कम रहती है, कहीं 1 मीटर ज्यादा लिख देते हैं, तो वो डाउट भी अभी क्लियर करते हैं। उससे पहले लिखें आप 8851 या 50 आप लिख सकते हो अभी। इसका कारण बताता हूं क्या है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ग्रेटर हिमालय की चोटी है। नेपाल में इसे सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा इसी का नाम है माउंट एवरेस्ट का, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में शुमार है माउंट एवरेस्ट। एक खास बात है इसकी। अब जब हम जीके पढ़ते हैं तो इस पे देखते हैं कि इस पे कौन व्यक्ति पहले चढ़ा, कौन सबसे कम उम्र का था, भारतीय कौन था, विदेशी पहला कौन था, अलग अलग क्वेश्चन है। लेकिन उसे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्रेटर हिमालय की जो ज्यादातर ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल के अंदर है, उसका क्या कारण है। और जैसे मैं चोटी देखता हूं तो हाइट आपकी यहां पे बहुत ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और कि कहीं कहीं आपको इसकी हाइट मिलेगी 8848। हो सकता है कुछ जगह आपको 8847 या 8849 या 51 भी मिल जाए। इन चोटियों की हाइट, खाली एवरेस्ट की चोटी नहीं, चाहे वो नंगा पर्वत हो, बंदरपुर चोटी हो, केदार चोटी है, नंदा देवी चोटी है आपकी, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट, यहाँ पर है मकालू, ये सारी चोटी जितनी भी है ग्रेटर हिमालय की, इनकी हाइट निरंतर बढ़ रही है। क्योंकि ये जो है ये आपका अभी सारी प्लेट किनारा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एशियन प्लेट की यहां टक्कर होती रहती है वेनी ऑफ जोन में, एस्थोनोस्फेयर में लावा गलित होता रहता है। तो ये दो प्लेटें जब आपस में आमने सामने टकराती हैं तो ऊपर की ओर उत्थित होती हैं या ऊपर की ओर उठती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी हाइट मीटरों में बढ़ जाती है, साल दर साल, एक साल में ऐसे मानिए कि 2 से 2.5 सेंटीमीटर, और ये गति 5 सेंटीमीटर के आसपास भी चली जाती है। अब ये एक साल में बढ़ती है तो 50 साल में, 100 साल में ये धीरे धीरे करके मीटरों में बढ़ जाती है। तो आगे आने वाले टाइम में 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, इन चोटियों की हाइट का आंकड़ा इन सभी से बढ़ जाएगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। क्या केवल हिमालय के साथ ऐसा हो रहा है? तो केवल हिमालय के साथ ऐसा नहीं हो रहा, जहां जहां भी वलित पर्वत है, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, जैसे हिमालय एक वलित पर्वत है। जब विश्व भूगोल पढ़ाऊंगा तो आपको यूराल पर्वतमाला पढ़ाऊंगा, वो भी एक वलित पर्वत है, यूरोप और एशिया के बीच में, यूराल माउंटेन। एंडीज है, रॉकीज है, ग्रेट डिवाइडिंग रिज ऑस्ट्रेलिया में, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं, और इन पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो इसलिए आपको पुरानी किताबों में ये आंकड़ा 48 भी लिखा मिलता है और नई किताबों में 50 भी है। तो चोटी की हाइट बढ़ती है और जैसे जैसे चोटी की हाइट बढ़ती है तो भूकंप भी आते हैं, ये अगला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अब नवी चोटी है हमारी, ये है मकालू, नेपाल के अंदर है, 8481, 8481 है, ध्यान से देखें।
अब एवरेस्ट के इधर मकालू, एवरेस्ट के इधर मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये पांच चोटियां मैंने जो आपको लिखवाई हैं ये सारी की सारी नेपाल में है। अब सिक्किम में और नेपाल के बॉर्डर पर, बिल्कुल यहां आप एटलस में देखोगे तो आपको मिल जाएगी इस जगह एक चोटी। अभी यूपी पुलिस में यहां से क्वेश्चन भी आया था और इसे मैं 10 नंबर डाल दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये है कंचनजंगा, कंचन जंगा, हाइट है 8,598 मीटर, ये अभी का आंकड़ा है। अब कंचनजंगा जो चोटी है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। अब सिक्किम में जब ये स्थित तो इसकी एक खास बात है वो भी देखते हैं। कंचनजंगा के समीप आपको यहां पर एक ग्लेशियर मिलेगा, ग्लेशियर हिंदी में बोलते हैं हिमनद, जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर। इसी जेमू ग्लेशियर से आगे पढ़ाऊंगा एक नदी निकलती है यहां पे, आप नाम सुनोगे तीस्ता रिवर या तीस्ता नदी, यहां पे इसके पूरब से निकलती है। यहां पे एक नदी मिलेगी आपको मेची, जो नेपाल और सिक्किम का बॉर्डर बनाती है। तो अभी ग्लेशियर में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आप चोटी देखिए और इतना याद रखिए कि कंचनजंगा सिक्किम में है, 8,598 मीटर इसकी हाइट है। अब ये भूटान है, भूटान में भी चोटियां हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहां पर चीन में, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर इस जगह एक चोटी है और चारों तरफ से यहां से ये जब सियांग या आपका दिहांग नदी आती है जिसे ब्रह्मपुत्री कहते हैं तो ये यू टर्न लगा के आती है, और यही चोटी जो है इसे मैं 11 नंबर डाल दे रहा हूं, इसका नाम है नामचा बारवा, नामचा बरवा या बारवा, 7,756 मीटर। ये दुनिया की, विश्व के नक्शे पर अगर देखूं तो दुनिया की पूर्वी सबसे ऊंची चोटियों में शुमार है। मतलब अगर यहां पर एक देशांतर रेखा मान के चलें तो अब इससे पूर्व में इसके मुकाबले की कोई चोटी नहीं है इतनी हाइट की। तो विश्व की पूर्वी सबसे ऊंची चोटी भी है और हिमालय के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल यहां इस मोड़ पे, इस बेंड पे, नामचा बरवा। अब 11 चोटियों को आपको याद रखना है और इनका क्रम, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर है। नंगा पर्वत, बंदरपुच, केदारनाथ चोटी, आपकी नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और आपकी नामचा बारवा। नामचा बरवा चीन में, बेसिकली चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। अब एक चीज और बताते हैं, अब ये डाटा आपने लिख लिया होगा तो मैं यहां से रफ कर रहा हूं, और एग्जाम के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करा जाता है ये सीखते हैं। ध्यान देंगे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन लिखता हूं कि हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन अपने आप में डाउटफुल है। डाउट क्यों है? क्योंकि हिमालय एक पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वतों की श्रृंखला है।
ये हिमालय है और इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है, और उन ट्रांस हिमालय में भी तीन श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इस क्वेश्चन का विवाद सुनिए क्या है। ये यहां पे स्थित है ये काराकोरम श्रेणी है और ये लद्दाख श्रेणी है, ये वाली काराकोरम और लद्दाख। इसके नीचे अगर आप बात करें तो यहां पर आपको जास्कर श्रेणी और मिलेगी ये, लेकिन अभी जास्कर से काम नहीं है, तो सिर्फ काराकोरम और लद्दाख के बारे में सुनो। क्या ये काराकोरम जो श्रेणी है आपकी, काराकोरम, तो के से कारा और के से कोरम, तो ये के नाम पे, ये के टू नाम भी पड़ा है इसका। अब वास्तव में ये जो के टू है ये काराकोरम श्रेणी पर यहां स्थित है, इस जगह वर्तमान में बात कहूं तो कुछ ये है, ये हमारा पीओके का क्षेत्र है ये वाला। अब इस पीओके में ये चोटी है जिसका नाम है K2, और इसी को ही गॉडविन ऑस्टेन भी कहा गया है, गॉडविन ऑस्टेन इसी का नाम है। अब चूंकि ये वर्तमान में ये क्षेत्र भारत के कब्जे में नहीं है पीओके, आगे कभी भविष्य में होगा तो बात अलग है, तो इसलिए क्वेश्चन अगर ये दे दे आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में, और जैसा कि आया भी है क्वेश्चन, तो आंसर आप ये लगाएंगे कंचनजंगा, क्योंकि जो ये K2 वाली चोटी है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टेन, ये 8611 मीटर हाइट की है, जो इससे ज्यादा है। कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है और ये 8611 मीटर है, लगभग 13 मीटर हाइट इसकी ज्यादा है, लेकिन ये वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं है, ये पीओके में आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में। चूंकि और दूसरी चीज, ये महान हिमालय की चोटी है कंचनजंगा, और K2 या गॉडविन ऑस्टेन काराकोरम श्रेणी पर है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय है, हिमालय नहीं है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बन गया था, हमने काल पिछली वीडियो में बताए हैं, उन्हें आप देख सकते हो। यह बात बिल्कुल सही है कि K2 चोटी जो है वो एवरेस्ट की तुलना में, मकालू मनसालू कंचनजंगा की तुलना में बहुत पुरानी चोटी है, अगर भूगर्भिक काल के हिसाब से देखें तो। ये वाली बात समझ में आई आपके? अगर ऑल ओवर केवल चोटी में अगर कंपटीशन करें तो K2 या गॉडविन ऑस्टेन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। लेकिन अगर श्रेणी पे बात आ जाए तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये है K2, ट्रांस हिमालय की। केवल ग्रेटर हिमालय अगर देखो तो ग्रेटर हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, ग्रेटर हिमालय पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ग्रेटर हिमालय पर दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ग्रेटर हिमालय पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी मकालू 8481। लेकिन ऑल ओवर हिमालय की अगर बात करूं तो पहले नंबर पर एवरेस्ट, दूसरे पर K2 और तीसरे पर कंचनजंगा। अब वर्तमान भारत की स्थिति उठाएं तो पहले स्थान पर कंचनजंगा और दूसरे स्थान पर आप जब देखोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, नंदा देवी, क्योंकि नंदा देवी
ये इधर आ जाएगी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, और नंगा पर्वत जो है ये भी पीओके में आ जाता है, ये कारण है इसका। आगे चलते हैं, ये बात क्लियर है आपके सामने। अब हम ग्लेशियर को देखेंगे। ग्लेशियर जानते हैं, ये कश्मीर वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ध्यान देंगे यहां पर इस जगह, ये श्रेणी है, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में आप इसे कहते हैं हिमनद। हिमनद ऐसे मान लीजिए बर्फ की एक जमी हुई नदी, ग्लेशियर है। हाल तो जब हम भू आकृतिक विज्ञान को और डिटेल में जानेंगे तो इसे जानेंगे। अब ये हमारी जो श्रेणी है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, तो हम काराकोरम के ग्लेशियरों को देखेंगे। पहले सबसे ऊपर यहां पर इस जगह आपको एक ग्लेशियर मिलेगा पीओके के क्षेत्र में, ये एक, इसका नाम है बतूरा ग्लेशियर, पीओके में आता है। इससे जब नीचे देखोगे यहां पर तो आपको मिलेगा चोगोलुंगमा दो, चोगोलुंगमा। बताऊंगा क्या चीजें हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहां से, बहुत धैर्य के साथ पढ़ें पहले। यहां पर थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहां पर फिर एक आपको ग्लेशियर मिलेगा, एटलस में मिल जाएंगे सारे ग्लेशियर। हिस्पर, हिस्पर या हिस्पार ग्लेशियर, इससे नीचे हिस्पर के बाद में बियाफो, बियाफो, बियाफो ग्लेशियर, और थोड़ा नीचे चलेंगे तो बियाफो के दक्षिण में है बालतोरा या बालतोरा, बालतोरा या बालतोरा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, या बालतोरा भी कह सकते हैं उसे, अलग अलग जबान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और थोड़ा सा आगे, बल्कि यहीं पे है इसी स्थित ये सियाचिन, सियाचिन, चीन नहीं है, चिन्ह शब्द है। अब इन सभी ग्लेशियरों में सर्वाधिक लंबाई सियाचिन ग्लेशियर की है। अगर आपसे लंबाई पूछ दे तो 76 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है सियाचिन। यहीं से हमारी नियंत्रण रेखा भी गई है इतने एरिया पे। अब नियंत्रण रेखा क्या है, सीओ के, पीओ के, बाल्टिस्तान क्या है, पैगोंग लेक विवाद क्या है, सोमोरीरी लेक विवाद क्या है, ये हम जानेंगे कश्मीर के प्रादेशिक भूगोल में, जब एक एक राज्य को प्रदेश के हिसाब से पढ़ा जाएगा।
अभी मोटी मोटी बात जानना है। इसके नीचे आपको एक छोटा सा ग्लेशियर मिलेगा, रीमो, रीमो ग्लेशियर। अब ये सात ग्लेशियर मैंने आपको लिखवाए हैं, बतूरा, चोगो लुंगमा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन और रीमो। ये सातों ग्लेशियर इस काराकोरम श्रेणी पर स्थित हैं और ये ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इन्हीं से नदियों का निर्माण होता है। तो आप जब यहाँ की छोटी छोटी नदियां पढ़ोगे जो सिंधु की सहायक मिलेंगी आपको, जैसे श्योक नदी है, नुब्रा रिवर है, गिलगित बाल्टिस्तान से आपका रूपल, यहाँ पर एक रूपल पढ़ाऊंगा, रूपल एक ग्लेशियर मिलेगा आपको ग्रेटर हिमालय पे, तो वो आपका नंगा पर्वत के ही पास है रूपल ग्लेशियर। यहाँ सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है, उत्तराखंड में मिलेंगे आपको ये मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, लेकिन वो ग्रेटर हिमालय पर। इनसे जब नदी निकलेंगी तो जब नदियों का उद्गम पढ़ेंगे तो ग्लेशियरों का नाम आएगा यहां। इनको याद रखें, इनका क्रम यही है, बतूरा, चोगोलुंगमा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, सियाचिन और रीमो। और इन सब में सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो है सियाचिन ग्लेशियर की। आगे चलते हैं। ये काराकोरम के ग्लेशियर हैं, काराकोरम के, ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटर हिमालय के ग्लेशियर हैं कुछ, उनको जानते हैं। कश्मीर का रीजन, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। यहां से गया है ग्रेटर हिमालय बॉर्डर, बॉर्डर यहां। अब इस ग्रेटर हिमालय पर कुछ ग्लेशियर बनाने हैं। यहां पीओके में इस जगह ग्लेशियर है, ग्लेशियर का नाम है रूपल ग्लेशियर। अब रूपल ग्लेशियर पीओके में आ जाता है, ग्रेटर हिमालय पर है या महान हिमालय है ये। आगे जैसे ही आप यहां उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड के ग्लेशियर आपसे कई बार पूछे गए। अब क्रम भी बता देता हूं, पहले आपको मिलेगा गंगोत्री ग्लेशियर, यहां ऊपर है इससे क्लियरिटी बनी रहे तो इसलिए नीचे बना दे रहा हूं, यहां बॉर्डर पे इस उत्तराखंड के और ऊपर है तिब्बत चीन वाला क्षेत्र, इस बॉर्डर पे स्थित है यहां ग्लेशियर सारे के सारे। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर कहां, उत्तराखंड। कौन सा हिमालय, ग्रेटर हिमालय। थोड़ी और उसके करीब आएंगे पूरब में तो आपको एक ग्लेशियर मिलेगा चोराबाड़ी, चोराबाड़ी ग्लेशियर। चौखंबा इसी के निकट है, चौखंबा चोटी है, चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड। चौथा ग्लेशियर जैसे इससे आगे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा मिलाम ग्लेशियर, बहुत महत्वपूर्ण है मिलाम। अब जब नदियों का उद्गम स्थल पढ़ाऊंगा तो मिलाम हिमनद या मिलाम ग्लेशियर के बारे में बताएंगे, याद रखेंगे। इसी के समीप थागला, मानाला, नीतिला, लीपू लेक दर्रा मिलेंगे आपको। आगे यहां पर आपको एक ग्लेशियर मिलेगा नंदा देवी, नंदा देवी चोटी भी है, नंदा देवी ग्लेशियर भी है
और नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी है, नंदा देवी ग्लेशियर। और नंदा देवी ग्लेशियर के ही दक्षिण पूर्व की ओर यहां पर छोटा सा ग्लेशियर मिलेगा आपको, पिंडारी। पिंडारी, पिंडारी से नाम सलमान खान की पिक्चर का तो नहीं याद आ गया हो, क्योंकि वह भी पिंडारी जनजाति है। तो पिंडारी जो लोग हैं वो भी होते हैं, घुमक्कड़ हैं, और उसे आप आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने करा। और ये पिंडारी जो नाम है ये पिंडार नदी के नाम से पढ़ा है। आप जब अलकनंदा की सहायक नदी पढ़ोगे तो उसमें एक है पिंडार नदी, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, ये प्रयाग पढ़ते समय। उत्तराखंड के ग्लेशियर गंगोत्री, चोराबाड़ी, मिलाम ग्लेशियर, नंदा देवी और पिंडारी ग्लेशियर। यहां पीओके के क्षेत्र में रूपल ग्लेशियर। अब यहां एक ग्लेशियर और है, अभी मैंने आपको बताया था, इसका नाम है जेमू ग्लेशियर, जेमू। अब जो अगर ग्लेशियर है तो वहां से कोई ना कोई नदी की धारा जरूर निकली हुई है, कोई भी नदी। तो यहां से एक नदी निकलती है, आगे पढ़ाऊंगा मैं, तीस्ता नदी, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आगे चलती चली जाती है और ब्रह्मपुत्री जिसे जमुना कहते हैं उसमें जाके मिलती है। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आते हैं कि वो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा नदी जल विवाद है, तो तीस्ता नदी जल विवाद। और तीस्ता नदी इसी ग्लेशियर से निकलती है, जेमू। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है, ये सिक्किम राज्य है हमारा, और सिक्किम के उत्तर में, और कौन से हिमालय पर, ग्रेटर हिमालय पर। यहीं से थ्योरी बन जाती है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम के उत्तर में स्थित है, ग्रेटर हिमालय पर। अब ये वाले ग्लेशियरों का क्रम बन गया आपका, आगे चलते हैं। अब हम कुछ शहर देखते हैं और कुछ घाटियां हिमालय की, फिर हिमालय के दर्रे, हिमालय की विशेषताएं, और फिर एक वीडियो हमारा लास्ट बनेगा ऑल ओवर हिमालय रिवीजन के लिए, जानेंगे। ये आपके काराकोरम रेंज, काराकोरम, काराकोरम के नीचे आपको मिलेगी लद्दाख रेंज, लद्दाख। उससे नीचे आएंगे जास्कर, जास्कर। अब जास्कर के बाद में आपको जो ये रेंज मिलेगी वो है आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय एवं महान हिमालय इसी को कहते हैं, यह है ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। इसके नीचे लघु हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये लघु हिमालय है आपका, अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर शिवालिक श्रेणी, अब शिवालिक श्रेणी को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है हाल, तो आगे चल के ये इसी में जाके मिल जाती है। अब ध्यान से देखेंगे क्या चीजें हैं। एक जगह बना रहे हैं यहां, ये इसे डालना है एक नंबर, देप सांग, देप सांग। ये देप सांग का मैदान है, प्लेन है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देप सांग का मैदान कहां स्थित है,
तो देवसांग का मैदान लद्दाख में आता है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में। मैदान का नाम है देवसांग। अगला ये है दो, देव साई, देवसाई प्लेन या देवसाई का मैदान। अब देवसाई का मैदान आपके पीओके से लगा हुआ और थोड़ा कश्मीर के रीजन में, लद्दाख और जास्कर के बीच में। आगे फिर यहां पे आपको एक शहर मिलेगा, इसे मैं 3 नंबर लिख रहा हूं, ये लेह है। लेह लद्दाख की राजधानी। लद्दाख में दो क्षेत्र हैं, एक लेह और एक कारगिल है। लद्दाख बड़ा जिला है, कारगिल उससे छोटा है। कारगिल जास्कर और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है कारगिल। अब ये कारगिल वाली क्षेत्र बता देते हैं आपको, ये है आपका 4 नंबर डाल दे रहा हूं इसे, कारगिल। कारगिल, अब कारगिल का युद्ध पढ़ना है, कारगिल दिवस पढ़ना है, कारगिल की लड़ाई पढ़ना है, ये नहीं पता कारगिल है क्या, कारगिल जगह का नाम है, जिला है तो किन श्रेणियों के बीच है, वहां की जलवायु कैसी है, वो पता होनी चाहिए आपको। कारगिल लद्दाख के क्षेत्र में आता है, ये भी लद्दाख में आता है, ये भी, दोनों लद्दाख में आते हैं। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो मिलेगा ये ग्रेटर हिमालय और ये लघु हिमालय। अब लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय को ये पीर पंजाल रेंज है। हाल तो ये पूरी सतत है लेकिन अलग अलग नामों से जानी जाती है अलग अलग जगह। जैसे जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल रेंज बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, पिछली वीडियो में बताया तो शॉर्ट में बता रहा हूं, धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी और नेपाल में महाभारत श्रेणी। अलग अलग पहले लिख देता हूं, उसके बाद में आप उसे बनाना, फिर दोबारा से शहर बता देता हूं, ऐसे कर लेते हैं अगर आप डायग्राम बना रहे हो तो। देखिए ये लघु हिमालय है का एक पार्ट, फिर ये लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय और ये लघु हिमालय आपका। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इसका नाम है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। इसी में बनिहाल दर्रा स्थित है। अब जब यहां पे पढ़ाऊंगा बनिहाल गैप और पीर पंजाल दर्रा तो समझ में आएगा कि जब ग्रेटर हिमालय जाऊंगा तो इस वाले दर्रे से समझ में आता है। पीर पंजाल लघु हिमालय है, हिमाचल प्रदेश में इसे कहते हैं धौला धर। फिर एक बार बता रहा हूं, धौला धर लघु हिमालय का नाम है हिमाचल प्रदेश में, और धौलागिरी चोटी है कहां, नेपाल में। अभी पढ़ी थी धौलागिरी 8172 मीटर, ये याद रखेंगे, ये नेपाल की चोटी है और ग्रेटर हिमालय पर है ये। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में जब लघु हिमालय आता है तो उसे कहते हैं मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी कहां, उत्तराखंड में। जब लघु हिमालय नेपाल में आता है तो उसे कहते हैं महाभारत श्रेणी।
अब इस चारों श्रेणियों का आप नाम याद रखेंगे। पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है कश्मीर में, धौलाधर लघु हिमालय का भाग है हिमाचल में, मसूरी श्रेणी लघु हिमालय का भाग है उत्तराखंड में, और महाभारत श्रेणी लघु हिमालय का भाग है नेपाल में। अगली चीज जानते हैं, ये बता दिया मैंने आपको, अब मैं इसे सतत बनाऊंगा एक सीरीज में पूरी। इस प्रकार इसके नीचे बनाते हैं हम शिवालिक, आगे चल के ये इस प्रकार ये सब मिल गई हैं। अब शिवालिक का नाम भी है, जैसे नेपाल में शिवालिक को चुरिया मुरिया रेंज के नाम से जानते हैं, सिक्किम में इसे लघु हिमालय और शिवालिक को जी मिक्स हो जाती हैं, तो इसे सिंगालीला के नाम से जाना जाता है। वो तो उधर पढ़ेंगे हम, जो पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, देखते रहिए पढ़ते रहिए। पढ़ना क्या है, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय। ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक जगह है काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तर में कौन सी श्रेणी हुई, महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय, और दक्षिण में लघु हिमालय। तो इसे मैं डाल रहा हूं 5 नंबर, काठमांडू। एक एक चीज, शहर का अलग डायग्राम बनता है, कृषि का अलग बनेगा, दर्रों का अलग बनेगा, इस प्रकार से पढ़ा जाएगा, मैं मैनेज करके। अब जब इस क्षेत्र में आगे चलूंगा तो यहां पर एक शहर आपको मिलेगा, उसका नाम है श्रीनगर, कश्मीर, बेसिकली कश्मीर, कश्मीर घाटी है, श्रीनगर शहर है, ये याद रखेंगे। अब ये कश्मीर और श्रीनगर तो हो गए आपके जम्मू कश्मीर, कश्मीर वाला क्षेत्र, जम्मू नीचे, जम्मू जो है शिवालिक और लघु के बीच वाला क्षेत्र है जम्मू। अब यहां बीच में हिमाचल प्रदेश में आपको ध्यान देना है, कुल्लू, कुल्लू, कांगड़ा और लाहुल स्पीति, लाहौर नहीं लाहुल स्फीति। ये क्या है, ये घाटियां हैं, काठमांडू घाटी है, कश्मीर घाटी है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कश्मीर, 7 श्रीनगर, अशोक ने बसाया था ये श्रीनगर, श्रीनगर, 8 कुल्लू, मनाली अलग है, मनाली ग्रेटर हिमालय के तलहटी ढलानों पर स्थित है, मनाली कुल्लू घाटी है। अब जब कुल्लू से लेह जाएंगे हम, तो कुल्लू, फिर ये ITSZ क्रॉस करोगे आप, और फिर आप आ जाएंगे जास्कर क्रॉस करके लेह शहर में। तो कुल्लू, या मैं कहूं आपसे कि एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता भी है कि लेह जाने के लिए कौन कौन सी श्रेणी को क्रॉस करना पड़ेगा, तो शिवालिक को भी क्रॉस करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर आप दिल्ली से चल रहे हैं, लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय और जास्कर, क्योंकि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है लेह, ये लेह है, यहां पर आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है हमारा लेह में। और अगर किसी को देपसांग प्लेन में जाना है, यहां देपसांग प्लेन है मैदान, तो उसे लद्दाख श्रेणी भी क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये काराकोरम के उत्तरी ढलान पर यहां पर स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर,
तो आपको ये सारी रेंजेस क्रॉस करनी पड़ती हैं। कुल्लू, कांगड़ा, कांगड़ा, लाहुल और स्पीति। अब ये ध्यान से सुने, 8, 9, 10 और 11 ये चीजें जो हैं आपकी, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश याद रखेंगे। श्रीनगर, कश्मीर, ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय। तो ऐसा कह देते हैं ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, क्योंकि लघु हिमालय का ही नाम जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, तो इसलिए कह देते हैं कि हमारा श्रीनगर पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में है। यहीं पे फिर झीलें पड़ेंगे, डल झील, वुलर झील, झेलम नदी है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बारामूला, अनंतनाग, पुंछ। आगे चलिए, ये क्लियर हुआ यहां तक। अब हम नीचे पढ़ते हैं जो छोटा वाला क्षेत्र है उसके बारे में। ये हुआ हमारा ग्रेटर हिमालय, ये हुआ लघु हिमालय या मिडिल हिमालय भी बोल सकते हैं इसे, मध्य हिमालय भी कह देते हैं, और ये हो गया शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। अब ग्रेटर और लघु के बीच में तो हमने यहां काठमांडू, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा और श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जम्मू पढ़ा, कश्मीर पढ़ा। अब लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं उन्हें देखते हैं। यहां पर स्थित है दार्जिलिंग, दार जी लिंग ऐसे लिखा जाता है। अब दार्जिलिंग कहाँ है? सिक्किम में नहीं है, पश्चिम बंगाल में। याद रखेंगे दार्जिलिंग जो शहर है हमारा, वो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में है। आगे देखें, अब नेपाल को स्किप करके हम उत्तराखंड में आ रहे हैं और हिमाचल में। तो उत्तराखंड में आपको यहां मिलेगा ये देहरादून, नाम सुना है? देहरादून, मसूरी, चकराता एक जगह पड़ती है, नैनीताल, रानीखेत। तो ये है चकराता, चकराता, देहरादून, देहरादून, रानीखेत, रानीखेत और मसूरी, इसी के अंतर्गत आ जाता है मसूरी। ऊपर है, मैंने यहाँ स्टार नीचे बना दिया, उसमें आप माइंड मत करना। मसूरी, चकराता उत्तराखंड में ही है, देहरादून, रानीखेत, मसूरी। ये जो शहर हैं आपके, ये जो पर्यटक स्थल हैं, ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच बसे हुए हैं। आगे चलते हैं, अब जैसे ही आप यहां पहुंचेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में नाम सुनोगे शिमला, डलहौजी, शिमला डलहौजी, ये दो पर्यटक स्थल, ये राजधानी भी है इसकी, हिमाचल के शिमला, ये लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में बसे हुए हैं। आगे ये जम्मू, जम्मू आपका। अब इसके तराई के क्षेत्र में अगर देखूं तो ये आपके शिवालिक के बाद में तराई का क्षेत्र है। तो यह हिमाचल प्रदेश के
बॉर्डर पे आपको, बल्कि क्योंकि यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड का वो चौराहा जो है, बेसिकली हिमाचल में ही है, नाम है पौंटा साहिब, पौंटा साहिब। सिख धर्म के लोग, और ऐसे घर केवल सिख ही नहीं, सनातन धर्म और सिख धर्म के लोग यहाँ पौंटा साहिब तीर्थ स्थल पे जाते हैं, जो शिवालिक की तराई के क्षेत्र में स्थित है। बात करें हरिद्वार, तो शिवालिक के ही तराई के क्षेत्रों में हरिद्वार बसा है। हरिद्वार, ये सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी के जो क्षेत्र हैं वो भी यही है। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी आगे एक जगह पड़ती है, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में कूच बिहार एक जगह, बिहार अलग है, कूच बिहार अलग है। ये शहर ये याद रखेंगे। अभी जो आपको मैंने बताया था, देखो काठमांडू, ये लाहौल स्फीति कुल्लू कांगड़ा और श्रीनगर जम्मू घाटी, ये आपकी। अब कुछ और तथ्य देखेंगे, उन्हें जानते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय की ओर चलते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय, अपनी कॉपी में आप हेडिंग लगाएंगे। ये नेपाल वाला क्षेत्र, सिक्किम, भूटान, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश का क्षेत्र, ये वाला। अब इसे समझो, बहुत ध्यान से आराम से इसे समझना है। कैसे, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आपको कौन सा राज्य कहाँ है ये आपको पता होगा। जैसे क्या, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ज्यादा आप टेंशन ना लें। जैसे ये सिक्किम है, फिर इसके नीचे ये इतना भाग असम का है, और यहां पर ये वाला भाग, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, त्रिपुरा का क्षेत्र आपका, और नीचे मिजोरम, ये मिजोरम, ये मणिपुर, यहाँ नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान, फिर से ऊपर ये चीन, ये नेपाल वाला एरिया, ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, ये इधर म्यांमार, ये वाली चीज़ें आपको पता हो, ये आपसे मैं उम्मीद रख रहा हूँ, और रखनी भी, इतना तो रखनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप इसे नदारद कर देंगे, ये है खास बात। चलिए शुरू करते हैं। यहां तक आई ग्रेटर हिमालय, हम पिछले वाले को ही लिंक करते हुए चल रहे हैं, जो यहां सिक्किम के उत्तर से निकला। यहां पर आपको मिला कंचनजंगा सिक्किम में, और बल्कि नेपाल सिक्किम के बॉर्डर पर ही है वो कंचनजंगा, और विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मित्र देश है वो, और यहां पर स्थित है जेमू ग्लेशियर। अभी जेमू ग्लेशियर हमने पढ़ा था, और यही सतत श्रेणी आपकी भूटान में चली जाती है, और आगे चल के आपके अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्रों में, इस प्रकार से।
और ये आगे इस प्रकार की नीचे की ओर बैंड हो गई है, मुड़ गई है। अब इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ग्रेटर हिमालय है, ये लघु हिमालय। तो लघु हिमालय नेपाल का क्षेत्र है, तो लघु हिमालय को यहां नेपाल में क्या कह रहे होंगे, अभी बताया था महाभारत श्रेणी, तो ये महाभारत श्रेणी है, महा भारत श्रेणी। जैसे इसके नीचे आओगे तो ये है आपकी शिवालिक श्रेणी नेपाल में। तो शिवालिक श्रेणी को नेपाल के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पे आपको मिलेगा चुरिया मुरिया रेंज, इसका नाम चुरिया मुरिया। और जैसे ये सिक्किम में आती हैं तो ये अलग अलग नहीं है दोनों, तो एक दोनों संयुक्त रूप बन गया है इनका आगे चल के इस प्रकार से। और ये संयुक्त रूप फिर यहां दिखाई देता है डाफला मेरी अबोर और मिशमी, ये। और ये जो संयुक्त रूप यहां सिक्किम में है इसी को कहते हैं सिंगालीला रेंज, सिंगालीला रेंज। सिंगालीला रेंज या सिंगालीला श्रेणी। अब इनके नाम बता देता हूं, जैसे एक दो तीन और चार, यहां पे लिख देता हूं डाफला मिरी अबोर, अबोहर भी बोल देते हैं, और मिशमी मिशमी इस प्रकार। अब डाफला मिरी अबोर और मिशमी जब आप इन्हें पढ़ोगे तो ये सारी की सारी जो श्रेणियां हैं ये आपकी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश। इनका क्रम भी आप देखोगे। अब जब यहां पर नदियां पढ़ोगे, पूरी आ रही है वीडियो हमारी, ठीक, जब आप नदियां पढ़ोगे तो यहां से यू टर्न लेते हुए भी मैंने आपको एक चोटी यहां पढ़ाई थी नामचा बरवा। तो नामचा बरवा चोटी से ये इस तरह से यू टर्न लेते हुए और भारत में एंट्री करती है, यही ब्रह्मपुत्री है। तो आप ये बताओ कि ब्रह्मपुत्री नदी जब भारत में एंट्री करेगी तो इन दो पहाड़ियों के बीच में बह रही है। अब ये कौन कौन सी पहाड़ी है, तो चौथी पहाड़ी हुई मिश्मी और तीसरी हुई अबोर। तो अबोर और मिश्मी के बीच में ये नदी बहती है ब्रह्मपुत्री। वो बात अलग है कि यहाँ पे अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है, दिहांग है, सियांग है, ब्रह्मपुत्री है, जमुना है, ये अलग अलग चीजें हैं। सांगपो कह देते हैं उसे, सियांग या सांगपो से, उसमें तिब्बत में, वो वहां का मैटर है। लेकिन आपको ये चीजें जब नदी पढ़ोगे तो आपको ये माननी पड़ेंगी ये दोनों पहाड़ियां, और ये याद रखनी पड़ेंगे नाम इनके कि ये मिश्मी है और ये अबोर है। अब खास बात क्या कि ये जो मिश्मी पहाड़ी है, मिश्मी पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है काडाफा। यहां बना दे रहा हूं, 5 नंबर डालना है इसे, का डा फा। ये चोटी है। अब काडाफा चोटी मेरी मिश्मी श्रेणी पर स्थित है, 4878 मीटर की है।
अब इससे सीखने के लिए क्या मिलता है कि ये जितनी भी चोटियां थी 7,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, और जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे इसकी हाइट कम होती चली जाएगी इन चोटियों की। जैसे आगे मैं आपको यहां सारामती चोटी पढ़ाने जा रहा हूं, यहां नागालैंड में, तो सारामती की हाइट देखोगे आप 3826, ये 4878 है, तो 4,000, 3,000, 2,000, तो इसकी हाइट नीचे कम होती चली गई और आगे चल के ये श्रेणी फिर बंगाल की खाड़ी में जाके डूब जाती है, अराकानियोमा वाला भाग। तो आपको लॉजिक है इसके पीछे कि कहाँ पे ज्यादा हाइट है, और ज्यादा हाइट से फिर यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु, यहाँ के जीव, यहाँ की कृषि, यहाँ का रहन सहन, खान पीन सब निकल जाता है। आगे देखते हैं, अब अगली पहाड़ी है हमारी अरुणाचल प्रदेश में ही, यहां तक अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, यहां तक ये अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी, बल्कि इस बॉर्डर पर है, यही पहाड़ी है संयुक्त रूप से। इसका नाम है पटकोई बूम, अजीब सा नाम है, पटकोई बूम 5, और इसे 6 नंबर डालना है हम यहां। पट कोई बूम। अब पटकोई बूम की खास बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है उसे ध्यान से सुनना। इससे ऊपर की ओर चीन है और यहां नीचे की ओर म्यांमार है, तो आप ध्यान से देखो कि अगर ये ऊपर चीन है और ये म्यांमार है, तो ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में और म्यांमार के क्षेत्र में, ये म्यांमार, इन दोनों की सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे, ये बॉर्डर हुआ आपका। तो ये जो बॉर्डर इस तरह से बना हुआ है ना, ये बेसिकली पहाड़ी ने बनाया है, पटकोई भूमि ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ी पटकोई बूम, आगे चलना है। इससे नीचे की तरफ आओगे तो आपको एक पहाड़ी मिलेगी, नागा पहाड़ी, यह है नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी पर एक चोटी है, यहां ये चोटी है। अब चोटी का नाम है सारामती, सारामती 3826 मीटर की है, और काडाफा की हाइट थी 4878 मीटर, तो हाइट कम होती जा रही है। अब जो आपकी ये रेंज है इसका नाम है नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी पूरब में स्थित है और नागालैंड के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम की ओर एक श्रेणी और है, उसे कहते हैं कोहिमा रेंज, कोहिमा रेंज, इसे 8 नंबर डाल रहा हूं यहां, और ये 7 नंबर है कोहिमा रेंज या कोहिमा श्रेणी इस प्रकार। अब कोहिमा श्रेणी की एक खास बात है, कोहिमा श्रेणी पर एक चोटी है, ये नागालैंड में, चोटी का नाम है जापवी, ये नागालैंड वाली जापवी। आपको हाइट मिलेगी 2993 मीटर, इससे छोटी आगे की ओर। यहां पे एक राज्य है मणिपुर, अब मणिपुर के पूरब में पहाड़ी है, इसका नाम है मणिपुरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मणिपुरी। पूरब में एक पहाड़ी है,
उसे कहते हैं लेमातोर या लूसई पहाड़ी मणिपुर में। ये लेमातोर या लूसई और ये हुई आपकी मणिपुरी। नंबर डाल दे रहा हूं, ये 9 है और ये 10 है। 9 मणिपुरी पहाड़ी और 10 नंबर लूसाई या लेमातोर। एटलस में आपको लिखा मिलेगा लेमातोर पहाड़ी या लूसाई पहाड़ी। लूसाई पहाड़ी मणिपुर के पश्चिम में, मणिपुरी पहाड़ी मणिपुर के पूरब में। अब उत्तर की ओर मणिपुर के यहां एक पहाड़ी विस्तृत है और थोड़ा ग्रुप में है, गुच्छे में बनी हुई है ये, तो आप ये याद रखना। इसे मैं 11 नंबर लिख रहा हूं। इसका नाम है बरेल या बरेल, बरेल श्रेणी। बरेल श्रेणी की एक खास बात है क्या कि बरेल श्रेणी 3 राज्यों में है, एक असम, एक नागालैंड और एक मणिपुर। तीनों राज्यों के तिराहे पर स्थित है बरेल। और डिटेल में इसकी कहानी जब बताएंगे, जब यहां से निकलने वाली बराक नदी पढ़ेंगे, बरेल पहाड़ी से ही निकलती है बराक नदी, और बराक नदी असम में बहती है और सूरमा घाटी में बहती है और आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ आगे जाके ये पद्मा में मिल जाएगी और इसी का नाम कहलाएगा मेघना। यही बराक नदी मेघना है बांग्लादेश में। कहाँ से निकली है? बरेल श्रेणी नदी बराक। तो जब बराक नदी पढ़ाऊंगा, मेघना पढ़ाऊंगा, तो बताऊंगा मेघना नाम क्यों पड़ा। आप जानते हो ना कि मेघना के नाम से जल गिराती है गंगा ब्रह्मपुत्री, तो मेघना ही नाम क्यों है? तो मेघना एक रिवर है जिसका पहले नाम था बराक, और बराक निकली बरेल से, और बरेल पहाड़ी जो है बच्चे वो 3 राज्यों के बॉर्डर पे है, असम नागालैंड मणिपुर। आगे चलते हैं। ये मिजोरम है, मिजोरम में यहां पर नीचे की ओर है मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी इसका नंबर नहीं डाला, हाथों हाथ नाम लिख दिया। अब ये त्रिपुरा, त्रिपुरा में आपको 3 पहाड़ी मिलेंगी। सही सुना, 3 पहाड़ी। एक है जम्पुआई या जम्पाई तियांग, सफाई तियांग और अथारामुरा। नाम लिख दे रहा हूं, ए बी और सी नाम लिख रहा हूं इसके। ए है इधर वाली जम पे ती यांग, ये इंग्लिश का नाम है, मतलब इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो मिलेगा जम पे ती यांग। जामपुई नागालैंड में, त्रिपुरा में कहते हैं जामपुई, गूगल करोगे मिल जाएगी जामपुई। फिर मिलेगी आपको जम्पाई तियांग, सफाई तियांग, बी सफाई तियांग, सफाई तियांग, सफाई तियांग, और सी है अथरामूरा या अथारामूरा, अथारामूरा। और इन तीनों को ही एक जगह मिलाकर त्रिपुरी पहाड़ी कहते हैं। इन तीनों को ही एक जगह मिला दो तो कहे त्रिपुरी पहाड़ी। यहां त्रिपुरी पहाड़ी में आपको एक जगह मिलेगी उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में भी है, यहाँ कस्बा है एक उदयपुर, जम्पे तियांग पहाड़ी के उत्तर में स्थित है उदयपुर, और इसी के निकट से गई है यहाँ कर्क रेखा, और त्रिपुरा की राजधानी भी यहीं स्थित है अगरतला, कर्क रेखा के उत्तर में। अब आते हैं मेघालय में, ये मेघालय राज्य है। मेघालय में तुरा,
फिर संयुक्त रूप से ये हो गई है गारो, खासी ये शेप है, जयंतिया ये शेप है, तुरा तुरी गारो खासी जयंतिया, इधर लिख दे रहा हूं, तुरा तुरी पहाड़ियों के नाम है इनके, फिर संयुक्त रूप से गारो खासी और जयंतिया, जयंतिया। अभी केवल पहाड़ियों के नाम जानो, हाल तो चेरापूंजी और मासिनराम, इस बीच में जो खासी पहाड़ी है यहां पर स्थित है, चेरापूंजी मासिनराम आपको मिलेंगे यहां, छोटे छोटे पैलेस हैं चेरापूंजी और मोसिनराम। इस पहाड़ी की शेप कुछ छाती के आकार सी है, इसलिए यहां पर जो हवाएं हैं मानसूनी वो घूम कर रह जाती हैं और सबसे ज्यादा बारिश कराती हैं। वो मानसून में हम पढ़ेंगे इन पहाड़ियों को और भी ज्यादा डिटेल्स, अभी केवल नाम याद रखो, तुरा तुरी गारो खासी जयंतिया। अब जयंतिया पहाड़ी का ही विस्तार है रेंगमा, और रेंगमा का उत्तरी विस्तार है मिकिर, लेकिन अंतर क्या है कि ये तुरा तुरी गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में स्थित है, ये मेघालय राज्य इतना, और ये रेंगमा और मिकिर ये है रेंगमा, रेंगमा और ये है मिकिर, मिकिर मिकिर पहाड़ी, ये दोनों असम में है और इन्हीं का ही पूर्वी विस्तार है। आज ये ब्रह्मपुत्री जो ऊपर से आ रही है, इसने इन पहाड़ियों को, मिकिर पहाड़ी को, रेंगमा पहाड़ी को अक्षय पर्दित कर दिया है, घिस दिया है, तो ये घिसने के कारण ये पहाड़ी बड़ी छोटी दिखाई देती हैं, तो इन छोटी घिसी हुई पहाड़ियों को मोनाड नाक कहा जाता है, मोनाड नाक, मोनाड नाक, एक ज्योग्राफी की शब्दावली है, इसे भी हम देखेंगे, और इसी आधार पर आप डायग्राम बनाएं अपनी कॉपी में, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, एक बार फिर से नाम बोल देता हूँ, ये ग्रेटर हिमालय है, इसी में स्थित है कंचनजंगा चोटी, इसी के समीप स्थित है जेमू ग्लेशियर, ये सतत आगे जाके चली गई है और सभी श्रेणियां आपस में मिल गई हैं, गुथ गई हैं। लघु हिमालय है नेपाल में, इसका नाम महाभारत श्रेणी है, ये शिवालिक श्रेणी है, इसे कहते हैं चुरिया मुरिया रेंज, ये आगे जाके संयुक्त रूप से हो गई है, इसे कहते हैं सिंगालीला रेंज, जहां दार्जिलिंग स्थित है, फिर ये आगे जाके जो संयुक्त रूप से मिलती है यही है आपकी डाफला मिरी अबूर मिश्मी। अब मिश्मी की एक चोटी है ये वाली जो मैंने यहां लिखी है काडाफा, फिर पटकोई भूम है म्यांमार और अरुणाचल के बॉर्डर पे, नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी पर स्थित है सारामती चोटी जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये याद रखेंगे आप, सारामती नागालैंड के दक्षिण पूर्व की ओर कोहिमा पहाड़ी है, कोहिमा पहाड़ी की ये चोटी है आपकी जिसका नाम है जाप वी, 2993 मीटर ऊंची है। फिर नीचे राज्य है मणिपुर, मणिपुर में पूर्व की ओर मणिपुरी पहाड़ी है ये 9 नंबर, पश्चिम की ओर ये लूसई या लैमातोर पहाड़ी है, लूसई लैमातोर पहाड़ी के बीच में उत्तर की ओर यहां पे बरेल श्रेणी है जो 3 राज्यों में असम नागालैंड और मणिपुर में, ये मणिपुर हो गया ऊपर नागालैंड और ये इधर असम है, तो बिल्कुल तिराहे पे है ये बीच में। फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ी है और त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ियां हैं जो 3 भागों में बटी हुई हैं, जम्पई तियांग सफई तियांग अथारामूरा। मिजोरम की बात करें और इससे ऊपर त्रिपुरा, तो यहां पे आपका आएगा मेघालय, मेघालय में यह है तुरी तुरा तुरी फिर संयुक्त रूप से गारो खासी जयंतिया, जयंतिया का आगे चल के ये पूर्वी
पूर्वी विस्तार है रेंगमा और इसी का ही उत्तरी विस्तार है मिकिर। मिकिर और रेंगमा असम में है, तुरातुरी गारो खासी जयंतिया मेघालय में पहाड़ियां हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।